अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड मॉलिकुलर मास। और ये आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर का एक सब पार्ट है। बेसिकली पेपर में आप लोगों से कभी भी मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ मॉलिकुलर मास निकाले बिना आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका पेपर में प्रोपोर्शन कितना है, तो मैं इसको ज़ीरो भी कहूँगा और मैं इसको 8 से 10 मार्क्स का भी कहूँगा, क्योंकि पेपर में इंडिविजुअली मॉलिकुलर मास से रिलेटेड सवाल नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर मॉलिकुलर मास निकालने के लिए पूछा जा सकता है और इसके बिना आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास की डेफिनेशन। द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो किसके अंदर करते हो? एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। अब जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो? 1 लीटर डाल दो। इसका मतलब लीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग पेट्रोल। इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट, ये भी एक यूनिट है। किसको मेजर करने के लिए? किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को मेजर करने के लिए। और ये किसके बराबर होता है? ये तकरीबन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट में अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लो तो आपके पास जो चीज़ आएगी दैट वुड बी एटॉमिक मास और मास नंबर, दोनों बराबर हैं। और आप लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ा होगा। सो टू द एवरेज नंबर अलाउइंग फॉर द रिलेटिव अबंडेंसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब मैं अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात कर रहा हूँ तो प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 के बराबर है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 के बराबर है और ट्रीटियम का एटॉमिक मास 3 के बराबर है। तो ये डिपेंडेंट होता है कभी कभार आइसोटोप्स के ऊपर भी। लेकिन नॉर्मली एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाएगा तो आपके पास एटॉमिक मास या मास नंबर आ जाएगा। अच्छा, द वैल्यू कैन बी ईजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन विच एटॉमिक मास इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द सिंबल व्हाइल एटॉमिक नंबर इज रिटन एट द टॉप ऑफ द सिंबल। सबसे आसान मेथड क्या है कि आपके पास किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल लिखा जाएगा उसमें दो तरह के नंबर लिखे होते हैं। एक नंबर जो नीचे लिखा होता है दैट इज़ योर एटॉमिक मास, और वो नंबर जो ऊपर लिखा होता है दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर। तो आम तौर पर आपको जब किसी एटम का सिंबल दिया जाता है तो उसमें जो नंबर नीचे लिखा हुआ होगा दैट इज़ एटॉमिक मास, और जो नंबर ऊपर लिखा होगा दैट इज़ एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर ये चीज़ भूल जाओ तो फिर कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास किसी एलिमेंट पर दो नंबर लगे हुए तो जो कम वाली क्वांटिटी होगी दैट वुड बी योर एटॉमिक नंबर, और जो ज़्यादा वाली क्वांटिटी होगी दैट वुड बी योर एटॉमिक मास। क्यों? एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और दूसरा मेथड क्या है जनाब? पीरियोडिक टेबल से आप इसका एटॉमिक मास मालूम कर सकते हो। इसमें भी तुम देख लो, लेट्स से मैं सी की बात कर रहा हूँ तो सी के ऊपर 6 लगा हुआ है जबकि इसके नीचे 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब सी का एटॉमिक नंबर 6 के बराबर है जबकि सी का एटॉमिक मास 12 के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास मौजूद हो तो आप ईजिली एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मॉलिकुलर मास किसे कहते हैं? मॉलिकुलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम मॉलिकुलर मास कहलाता है। जैसे H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद हैं। दोनों हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का जो सम होगा वो मॉलिकुलर मास कहलाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल शोन बाय इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स और कौन से एटम्स मौजूद हैं? तो ये चीज़ मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला बताएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी H2O, H2O मुझे क्या बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल इन विच वी नीड टू फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जिसमें हम वाटर का मॉलिकुलर मास निकालेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। अब ज़रा गौर से देखो, वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O।
H2O तुम्हें क्या बता रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन मौजूद है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2H+1 ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 के बराबर होता है, तो एच की जगह 1 पुट कर दो, ओ की जगह 16 पुट कर दो, सो 2 1s are 2, 1 16s are 16, तो 2 + 16 = 18, सो द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18। ठीक है जनाब, ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा सिंपलर था। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हो तो तुम्हें नज़र आता है कि इसमें एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1C1Ca+1C+3 ऑक्सीजन, लाइक दिस। एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 के बराबर होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 के बराबर होता है, तो आप कैल्शियम की जगह 40 लिख दीजिए, कार्बन की जगह 12 लिख दीजिए, ऑक्सीजन की जगह 16 लिख दीजिए। सो 40 × 1 = 40, 12 × 1 = 12, 3 × 16 = 48, एंड 40 + 12 + 48 = 100, सो द मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। तो हम लोगों ने क्या किया, तमाम एटम्स को किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सबको इंडिविजुअली लिखा, उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करवा दिया, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ वी नीड टू सॉल्व सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। अब हम एक स्टेप आगे की तरफ जाते हैं और कंपैरेटिवली मुश्किल एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू है एल्युमिनियम सल्फेट, दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये मुझे क्या बता रहा है, इस कंपाउंड में दो एल्युमिनियम, क्योंकि Al के बाद दो लगा हुआ है, दो एल्युमिनियम मौजूद है, जबकि इस पूरे सल्फेट आयन के बाहर SO4 के बाहर 3 लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें 3 मॉलिक्यूल सल्फेट आयन्स के मौजूद हैं और सल्फेट आयन के अंदर 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मौजूद है। फिर से रिपीट कर दूं, Al2SO4 होल थ्राइस का मतलब Al के बाद 2 लगा हुआ है, इसका मतलब मेरे पास एल्युमिनियम के दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स मौजूद हैं। सल्फेट आयन पूरे SO4 के बाहर होल ब्रैकेट में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब मेरे पास सल्फेट के तीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जबकि सल्फेट के अंदर 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मौजूद है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2Al+, क्योंकि ये 3 पूरे सल्फेट आयन के बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब 3 लिखूंगा और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। इसको बस ज़रा ध्यान से कर लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं। दो एल्युमिनियम मौजूद है, 3 सल्फेट के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो क्या किया, 2Al लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, 3 सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का मतलब सबसे पहले आपने 3 लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सल्फेट आयन में 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मौजूद है। सो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो एल्युमिनियम की जगह 27, सल्फर की जगह 32, ऑक्सीजन की जगह 16 पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 × 27 = 54 के बराबर। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 1 × 32 = 32 के बराबर, 4 × 16 = 64 के बराबर, 32 + 64 = 96 के बराबर, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 3, इसका मतलब 96 × 3 बराबर हो जाएगा 288 के, इसका मतलब 54 + 288 बराबर हो गया 342 के, सो द मॉलिकुलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज 342। ठीक है जनाब, एक एग्जांपल और देखते हैं। पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7। मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस कंपाउंड में दो पोटेशियम मौजूद हैं, दो क्रोमियम मौजूद हैं, 7 ऑक्सीजन मौजूद है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2K + 2Cr + 7O। ठीक है, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 के बराबर होता है, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 के बराबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 के बराबर होता है, तो K की जगह 39 पुट कर दीजिए, Cr की जगह 52 पुट कर दीजिए और O की जगह 16 पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 × 39 = 78, 2 × 52 = 104, 7 × 16 = 112। जब इन तीनों को ऐड करेंगे सो द आंसर वुड बी 294। इसका मतलब द मॉलिकुलर मास ऑफ K2Cr2O7 इज 294। आई बिलीव कि मॉलिकुलर मास हम लोगों को पहले भी निकालना आता होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई टॉपिक रह ना जाए, छोटी सी छोटी बात भी रह ना जाए, इसलिए आप लोगों को मॉलिकुलर मास निकालने का तरीका यहाँ पर सिखाया गया। तो जनाब फाइनली द
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग अपनी बुक के डिफरेंट कंपाउंड्स को पिक करो और उन डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिकुलर मासेस निकालो और उनको चेक करो। इससे फ़ायदा क्या होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी छोटी गलतियों से हम लोग बचेंगे। अब जब हम छोटी गलतियाँ करते हैं तो उन छोटी गलतियों का इम्पैक्ट एक बड़ा सवाल का आंसर गलत हो जाता है। तो अगर मॉलिकुलर मास निकालना सही से नहीं आएगा तो मॉलिकुलर मास गलत निकलेगा, तो फिर मास मास रिलेशनशिप में गलती होगी और वो पूरा का पूरा चार नंबर का सवाल गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग घर पर जाकर लाजमी तौर पर अपनी बुक से, आसपास से, नाइन्थ क्लास की बुक से डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिकुलर मासेस खुद से निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस क्वारंटाइन पीरियड को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे और चीज़ें सीखते रहेंगे। तो जनाब थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।